Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj, currently MBBS first year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. So, आज की वीडियो में मैं अपना हॉस्टल आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारा जो गर्ल्स हॉस्टल है मेरी कॉलेज का MGIMS का वो कैसा है अंदर से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ एडमिशन लेने वाले होंगे तो उनको ऐसा होगा कि लाइक हॉस्टल देखे कि कैसा है इस कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल. सो यहाँ से हम एंटर करेंगे अंदर. तो ये जो रूम बना हुआ है यहाँ पे काकू बैठती हैं, एंड जब भी आपको बाहर जाना है फिर अंदर आना होता है तो यहाँ पे आपको टाइमिंग लिखनी पड़ती है. सो इसके बाद इधर राइट साइड में ये जो एरिया दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे ये छोटा सा गार्डन टाइप का है, एंड यहाँ पे बेंचेस भी लगे हुए हैं. सो लोग बैठते हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी ग्रीनरी है चारों तरफ, देख सकते हैं आप पेड़ पौधे लगे हुए हैं. सो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, एंड काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ पे. सामने वाला जो एरिया है ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं. एंड इससे आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में ये जो घर दिख रहा है जहाँ कूलर लगा है, ये वार्डन मैम का घर है. एंड इसके सामने भी काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं गाड़ियों की, एंड काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस है. एंड ये सारी बिल्डिंग है, हॉस्टल बिल्डिंग है. अंदर चलते हैं तो राइट साइड में ये जो रूम दिख रहा है ये गेस्ट रूम है. यहाँ पे अगर किसी भी स्टूडेंट के गार्जियन आते हैं तो यहाँ पे वो रुक सकते हैं, यहाँ पे लोग मिल सकते हैं अपने गार्जियन से. सो काफ़ी अच्छा है ये रूम, एंड स्पेसियस है. अब हॉस्टल में एंटर करते हैं इस गेट से. तो ये सामने में नोटिस बोर्ड है, एंड इसके राइट साइड में ये पहला ब्लॉक आता है गर्ल्स हॉस्टल का. ये जो पूरा ब्लॉक है ये हमारे सीनियर 20 बैच के सीनियर का ब्लॉक है. यहाँ मतलब एक ब्लॉक एक बैच को दिया जाता है. एंड इसके बाद लेफ्ट साइड में ये सामने जाएंगे तो ये जो ब्लॉक है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का है, मतलब ये ब्लॉक में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहते हैं. सो हम लोग अभी इस ब्लॉक में रह रहे हैं. ये सामने में आपको पूरा आंगन दिखेगा. हर ब्लॉक में ऐसे ही है, मतलब जो पुराने वाले बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ऐसे ही आंगन है बीच में, एंड उस आंगन के चारों तरफ से इस तरीके से रूम्स बनी हुई है. एंड इस आंगन में ये बैडमिंटन कोर्ट भी आपको दिखा होगा. सो ये हमारा फर्स्ट ईयर का ब्लॉक है, मतलब जो लोग भी यहाँ पर एडमिशन के लिए आएंगे तो उनको फर्स्ट ईयर में यही ब्लॉक दिया जाएगा, मतलब यही ब्लॉक मिलेगा उनको रहने के लिए फर्स्ट ईयर में. एंड ये वार्डन मैम का ऑफिस भी है यहाँ पे, आपको सामने दिख रहा होगा. अब चलते हैं, देखते हैं हमारे हॉस्टल की मेस को. सो ये रास्ता जो है ये हम मेस की तरफ लेके जाएगा, एंड इसके ही लेफ्ट साइड में ये बैडमिंटन कोर्ट है. एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है इधर, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं. एंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बंदर भी काफ़ी आते जाते रहते हैं. सो ये रास्ता जो है ये मेस की तरफ ले जाएगा, एंड सामने में जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ये सब गर्ल्स हॉस्टल की ही बिल्डिंग है. यहाँ से मेन एंट्रेंस है हमारे मेस का. सो ये रहा हमारे मेस का गेट, एंड आप देख सकते हो कि ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है हमारा मेस है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है. यहाँ पे दो फ्रिज भी दिख रहे हैं आपको जो स्टूडेंट की यूज़ के लिए ही है. इस तरीके से टेबल चेयर लगे हुए हैं, काफ़ी साफ़ सुथरी है, मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर होती है, एंड यहाँ पे खाना सर्व किया जाता है. सामने में जो रूम है वो कुकिंग रूम है, खाना यहीं पे बनता है. सो ये रहा हमारा पूरा डाइनिंग एरिया. मेस से बाहर निकलने पे ये बेसिन वाला एरिया जहाँ पे आप अपने बर्तन धो सकते हैं, एंड उसके जस्ट सामने ये वाटर कूलर है. अब यहाँ से जब हम सीधे चलते जाएंगे तो राइट साइड में हमें जिम वाला रूम दिखेगा. यहाँ से सीधे सीधे जाएंगे एंड राइट साइड में हमें जिम रूम दिखेगा. सो ये हमारा जिम वाला रूम है. सो चलिए इसके अंदर जाते हैं.
सो आप इसके जब अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पे टीटी टेबल भी आपको दिख रहा होगा। सो ये पूरा हमारा जिम है। सामने में ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये नई बिल्डिंग है, जो नई नई कंस्ट्रक्ट हुई है बिल्डिंग्स वो इस तरीके से ही है, मतलब उनके अंदर ऐसा ब्लॉक टाइप का और आंगन टाइप का बनावट नहीं है। अब यहाँ से हम चलते हैं रीडिंग रूम देखते हैं। सो ये रीडिंग रूम का एंट्रेंस गेट है। ये रहा हमारा रीडिंग रूम, यहाँ पे लोग बैठ के पढ़ते हैं। ये हॉस्टल से ही अटैच्ड है, मतलब हॉस्टल में आपको रीडिंग रूम भी मिल जाएगा। सो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है बट ठीक है, काफ़ी स्पेसियस है। हमारे हॉस्टल में काफ़ी सारी आंटी आती हैं जो हमारे कपड़े धो दिया करती हैं एंड हमें उनको पे करना होता है मंथली, एंड वो हमारे कपड़े धो देती हैं, हमारे रूम की साफ़ सफाई भी कर देती हैं। सो बस आपको उनको पे करना पड़ेगा मंथली एंड वो आपकी ये सारी चीज़ें आपको करके देंगी। सो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल। सो ओवरऑल यही है हमारा हॉस्टल एंड ये सामने में जो आपको पूरा दिख रहा है आगे, ये पीजी का हॉस्टल है। सो काफ़ी बड़े एरिया में हॉस्टल बना हुआ है, यूजी पीजी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो काफ़ी बड़ा है पूरा एरिया। मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा सकती लेकिन मैंने जो जो मेन एरिया है वो आपको दिखा दिया, लाइक जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते होंगे फर्स्ट ईयर में तो मेस कैसा है, रीडिंग रूम भी है, जिम भी है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। सो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।